सब्सक्राइब करिए सानी बे टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल सहानी बे टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 20 एप्लीकेशन से पैसा पेटीएम में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप ना करिएगा। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने 20 अकाउंट में। 20 अकाउंट में आने के बाद आपको यहाँ गो टू, जैसे मैं गो टू कैश पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे अपना अमाउंट डालना है, मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद मुझे अपना पेटीएम नंबर डालना है। तो जैसे ही मैंने अपना पेटीएम नंबर डाला, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पैसा रिडीम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब आपको पेटीएम में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास 100 रुपया होना ज़रूरी है, तभी आप अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन 20 एप्लीकेशन वालों ने आप लोगों को एक तोहफा भी दिया है कि अगर आप किसी अपने एक फ्रेंड को इनवाइट कर लेते हैं तो आपको आपका लिमिट 50 रुपये हो जाएगा, यानी आपके पास 50 रुपये रहेगा, तो आप पेटीएम अकाउंट में रिडीम लगा सकते हैं। उसके बाद अगर जो जैसे ही आप अपने दूसरे फ्रेंड को रिफ़र करवाते कर लेते हैं तो आपका रिडीम 20 रुपया हो जाएगा। तो आपके यहाँ अकाउंट में आपका अगर जो 20 रुपया हो जाता है तो आप तुरंत ही 20 रुपये का रिडीम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ 10 रुपया अगर जो आपने अपने 3 दोस्तों को इनवाइट कर दिया तो आप 10 रुपया यहाँ पर आपके 10 रुपया होने पर ही आप अपने पेटीएम अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं। तो पैसा क्यों नहीं रिडीम हो रहा था? क्योंकि आप लोगों के पास 100 रुपये होना ज़रूरी है, तभी आप अपने पेटीएम अकाउंट में रिडीम पैसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कोई भी सुझाव हो कमेंट करिए। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।